हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो पार्टी मेकअप के ऊपर है, जिसमें कि हम पार्टी मेकअप का आपको प्रॉपर आई मेकअप बता रहे हैं, किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम लोग जो गाउन के संग मेकअप करेंगे अपने क्लाइंट का। तो बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, पार्टी मेकअप क्या होता है, कैसे करना चाहिए। तो मेकअप आपके वही रहेंगे, आप लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट में ऊपर नीचे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक हाई रेंज रखिए, एक लोअर रेंज के प्रोडक्ट्स भी रखिए, एक मीडियम रेंज के रखिए। तो उनको कैसे कैसे यूज़ करना है हम लोग सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग आज जो काम करने जा रहे हैं, डीप स्किन के ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यूरोप गर्ल का मेकअप फिक्सर सेटिंग स्प्रे फेस पर लगाया है। इसको मैं एज अ टोनर यूज़ कर रही हूँ फेस के ऊपर। तो इसको लगाने के बाद ड्राई कर देंगे फेस को अच्छे से। इसके बाद हम लोग PSE ब्रांड का मॉइस्चराइज़र ले रहे हैं। जैसे कि आपने पहले देखा था, हमने एम्ब्रॉयलिस ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, लेकिन ये पार्टी मेकअप है तो मैंने कौन सा ब्रांड का लिया, PSE ब्रांड का, जो उससे थोड़ा कम रेंज का है, लेकिन इनके इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, मेकअप तो आपको सारे ही अच्छे करने हैं, वो पार्टी मेकअप हो, एंगेजमेंट हो, रिसेप्शन हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट में ये है कि थोड़ा सा जैसे हम क्वालिटी रखेंगे, कुछ महंगे प्रोडक्ट रखेंगे, कुछ सस्ते रखेंगे। सस्ते का मतलब ये नहीं कि उनकी क्वालिटी ख़राब हो, एक मीडियम रेंज रखेंगे, जिसको कि आप पार्टी मेकअप के काम में ले सकते हैं, मेहंदी मेकअप के काम में ले सकते हैं। तो अच्छा ही ब्रांड रखेंगे, मेकअप का ब्रांड होना चाहिए, बिल्कुल लोअर में भी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से मैं PSE ब्रांड का मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है और यूरोप गर्ल का मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। डीप स्किन है, आप देख सकते हैं। तो हमने फॉरएवर 52 का 07 नंबर लिया है आज मैंने। वैसे मैं ज़्यादातर 01 नंबर लेती हूँ, आपने देखा था। आज मैं 07 नंबर से शेड दे रही हूँ, ये एज अ आई बेस को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है 07। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हमें कौन कौन से शेड जो है नेसेसरी रखने हैं। तो मैंने आपको दो शेड बताए थे, एक 01 फॉरएवर 52 का, एक 07। तो 01 के तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आज हम लोग कर रहे हैं 07 का यूज़। इसको अच्छे से हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं आईज़ की शेप क्या है, बहुत स्मॉल आईज़ हैं, छोटी छोटी आँखें हैं। इनके ऊपर कैसे मेकअप करना है ये आप लोग सीखेंगे आज। अगर आपको लगे आपका आई बेस कम है तो आप लोग अच्छे से लगाइए, क्योंकि पिगमेंटेशन जो होती है आईज़ के ऊपर वो शो होने लग जाती है अगर हम अच्छे से इसका यूज़ नहीं करते। तो जितना डार्कनेस है वो ऊपर आने लगेगी, इसलिए आप लोगों को आई बेस अच्छे से लगाना है, उसको ब्लेंड भी करना है। मेकअप स्टूडियो ब्रांड का मैं ट्रांसल्यूसेंट पाउडर ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, फॉरएवर 52 का भी ले सकते हैं, PSE का भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं देखिए, मैंने डार्क शेड का आई शेडो लिया है PSE ब्रांड की ही पैलेट से। ये डार्क थोड़ा पर्पल शेड है, ये डार्क में है। इसको मैं आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ और ब्लेंड करूँगी इसको। आउटर पे लगा के मैं थोड़ा इनर की साइड इसको ब्लेंड करूँगी। तो इस तरीके से आप देखिए, दूसरी आईज़ पे हमने शेप दी है। आप एक वी की शेप बना रहे हैं, इसको ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं, अंदर की साइड लेके जा रहे हैं, फिर अंदर से बाहर की साइड, मतलब हमें लगा के उसको ब्लेंड भी करना है साथ के साथ ही। और इस तरीके से आप अंदर बाहर करके इसको ब्लेंड करते जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना। तो आप देखेंगे किस तरीके, समझेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। शेड मेरा वही है, उसको मैं हल्का हल्का ब्लेंड करती जा रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा और डार्क शेड लेकर आउटर में उसको रखूँगी। इसको मैंने ब्लेंड करके लाइट कर दिया, अब हमें डार्क दिखाना है आउटर से। तो मैं थोड़ा सा और शेड ले रही हूँ, पर्पल शेड ही, और उसको दोबारा से मैं ब्लेंड कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पर। डार्क मतलब इतना डार्क नहीं, डार्क मतलब इतना डार्क कि जो ऊपर शेड है उससे थोड़ा सा डार्क शेड आप लोग लेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
ब्लेंड भी इतना नहीं करें कि पूरा हट जाए शेड, इतना ब्लेंड भी नहीं करना, हल्का हल्का सा ब्लेंड करेंगे जब डार्क रखेंगे, क्योंकि हमने लाइट तो ऊपर कर ही दिया है उसको। अब हम लोग एक शेप देंगे आईज़ पे, देखिए किस तरीके से हम लोग शेप क्रिएट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहे इसे पार्टी मेकअप कर रहे हैं, आपको पेमेंट कम मिल रहा है, तो आप उस समय क्या करते हैं, हम तो अभी आपको काम करके दिखा रहे हैं किस तरीके से करना है। आप लोग सिंगल शेडो के यूज़ से भी आई मेकअप कर सकते हैं, आप मतलब एक मेंटेन कर सकते, एक इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं अपने मेकअप में कि हमने इसमें एक ही आई शेडो का यूज़ करेंगे हम लोग, और हम लोग इस तरीके से ये वाला लाइनर लगाएंगे। इन चीज़ों को आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अब मैंने बताया था आंखें छोटी हैं, तो आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि आप लोग शिमर आई शेडो का यूज़ करेंगे आँखों को बड़ा दिखाने के लिए। तो मिडिल फिंगर से मैंने शिमर आई शेडो का एक शेड लिया, PSE ब्रांड की ही मेरी शिमर आई शेडो पैलेट है ये, और मैंने इसको सेंटर से लेते हुए अंदर की साइड भी अप्लाई कर दिया। तो इससे जो होता है, हमारी आंखें बड़ी दिखती हैं अगर हम शिमर्स का यूज़ करते हैं। तो शिमर और ग्लिटर का यूज़ आप लोग कर सकते हैं, चाहे तो पार्टी मेकअप में ग्लिटर का यूज़ ना करें, करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर कई क्लाइंट ऐसे होते हैं पेमेंट आपको अच्छे से कर देते हैं, तो आप अच्छे से उनका काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, पेमेंट हमें प्रॉपर वो नहीं हो रहा जो हमें चाहिए, तो आप अपनी इच्छा से कैसा भी काम कर सकते हैं, बस ये है कि आपको मेकअप अच्छा ही दिखाना है आपका। अब लाइट कलर का हमने शेड लेकर ऊपर की साइड हम लोग इसको ब्लेंड कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर कोई हमारी हार्श लाइन होगी तो वो आराम से ब्लेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल लाइट शेड लेके उसको ब्लेंड करेंगे, और जब भी आप लोग ब्रश का यूज़ करेंगे, अगर सेम ब्रश का कर रहे हैं, तो आप उसको क्लीन करेंगे हमेशा टिश्यू के ऊपर, और अगर आप नया ब्रश ले रहे हैं तो वो तो आपको ऐसे ही लाइट शेडो लेकर उसको ब्लेंड करना है। अगर आप पुराने ब्रश का यूज़ कर रहे हैं जिससे आप डार्क कलर यूज़ कर चुके हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए उसको क्लीन करना है। कुछ ग्लिटर्स का यूज़ मैं कर रही हूँ, क्योंकि आपको ग्लिटर लगाने बता रही हूँ मैं, तो मैंने PSE ब्रांड का ग्लिटर ग्लू लिया है, और उसको हाथ पे लेकर उसमें ग्लिटर को मिक्स करके मैं इस तरीके से ग्लिटर की एप्लीकेशन करती हूँ। इससे प्रॉपर जगह पर और अच्छे से लग जाता है जो ग्लिटर होता है। बाकी आप लोग इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, पहले ग्लिटर को लगा दी, पहले ग्लिटर ग्लू लगाया आईलिड पर, उसके बाद आप ग्लिटर्स को उस पर चिपका भी सकते हैं। तो दोनों चॉइस हैं, आप कैसे भी इसको कीजिए। तो देखिए, ग्लिटर से ही मैंने शेप दे दी आगे आगे, तो आगे से आईज़ जो है बड़ी दिखेंगी। अब आपको बहुत स्मॉल आईज़ थी, लेकिन ये बड़ी दिखेंगी क्योंकि हमने इस पर शिमर आई शेडो और ग्लिटर्स का यूज़ किया है। तो जब भी हमारी स्मॉल आईज़ होगी, आप लोग शिमर आई शेडो का यूज़ करेंगे। अब हम लोग लाइनर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैंने कौन सा लाइनर लिया, मैबलिन ब्रांड का। तो इस तरीके से आप लाइनर में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम लोग हमेशा रिकॉर्ड ब्रांड का यूज़ करते हैं, तो आज हमने उससे थोड़ा सा अलग क्वालिटी का लाइनर यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से अपनी वैनिटी में कुछ मेकअप जो है मीडियम रेंज के रखेंगे, कुछ हाई रेंज के रखेंगे, और अगर आप बिल्कुल ही छोटी जगह से, मतलब ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग बहुत कम पे करते हैं आपको, तो फिर आप देखेंगे कौन सा ब्रांड आपके लिए ठीक रहेगा। आजकल मार्स ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और रिज़ल्ट भी उसके ठीक ठाक हैं। आप लोग उसको भी लेकर अपने मेकअप कर सकते हैं, और उनके रेट भी बिल्कुल ठीक हैं, आप लोग मतलब ले सकते हैं उनको, और उनके रिज़ल्ट भी ठीक हैं। सिंपल लाइनर का यूज़ किया आपने, तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए, हमने आधा जो आई मेकअप है वो कर दिया है। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, बाकी का आई मेकअप हम लोग बेस बनाने के बाद करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।